गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे इन कंप्यूटर वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद चैप्टर टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चिल्ड्रेन लास्ट वी हैव स्टडीड अबाउट हमने पढ़ा था ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम प्रोग्राम किसे कहते हैं देन व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था वो रिमेंबर सो

अगर थ्री फोर फाइव ग्रुप्स में करके प्रोग्राम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है एक सॉफ्टवेयर ना इट्स टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं टू परफॉर्म अ वाइटी ऑफ टास्क वी नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर ना सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन टास्क डन ऑन कंप्यूटर्स आर लिस्टेड हियर कुछ कॉमन टास्क है जो हर लोग हर कंप्यूटर में यूज करते हैं कौन कौन से फर्स्ट मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करना ओके नंबर टू वर्किंग विद अ डिवाइस लाइक प्रिंटर वेब कैम स्कैनर एक्सेट्रा कुछ डिवाइसेस होते हैं इनके कंप्यूटर्स के जिनके साथ हम लोग अक्सर काम करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क लाइक प्रिंटर वेब कैम स्कैनर ये और भी इस टाइप के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं इसके ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डिवाइसेज uh, हम यूज़ करते हैं now next comes after that checking and removing viruses virus jo hai wo har koi har computer mein aata hai ye to aapko suna bhi hoga ki your system is not working uh, it might be affected by a virus okay virus se affect ho gaya hai ye जिस तरह हमारे बॉडी में भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना जिस नाउ डेज uh, ये जो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है ये क्या है एक कोरोना एक टाइप का वायरस है ना जो हमारे बॉडी में अगर इफेक्ट कर गया तो लोगों की डेथ तक हो जा रही है आप सोच लीजिए हो रही है ना तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है उसी तरह से ये भी कंप्यूटर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर वायरस जो हैं वो एंटर करते हैं अगर मिस हैंडलिंग हुआ या फिर इंटरनेट पे हमेशा वायरसेस मूव होते रहते हैं अब आप मान लीजिए आप जान के बारिश के मौसम में भीगिएगा तो क्या होगा आपको वायरल इन्फेक्शन होगा ही और अगर आप घर में रहिएगा तो सेफ रहिएगा तो इन द सेम मैनर कंप्यूटर्स के भी जो हैंडलिंग होती है ना यूजेज होती है वो प्रॉपर वे में अगर मेंटेन करके किया जाए तो हमेशा कंप्यूटर आपका वायरस अफेक्टेड नहीं होता है क्लियर वेन इट इज़ स्पेशली हैंडल्ड बाय वन पर्सन नेक्स्ट कन्वर्टिंग अ प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना नाउ क्लीनिंग हार्ड डिस्क टू इम्प्रूव स्टोरेज हार्ड डिस्क को क्लीन करना वो हम लोग करते ना इवन आप लोग आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में अगर बहुत ज़्यादा भर गया है आपके डेटाज हैं फाइल्स हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाता है स्लो हो जाता है वर्क करना और जैसे जैसे आ, जब आप चेक करते हो कि इट्स वर्किंग वेरी स्लो व्हाट इज़ अ मैटर तो देख रहे हो मैसेजेस कांट बी रेड क्यों तो इनबॉक्स आपका फुल हो गया फॉरन से आप क्या करते हो जो अनयूजल या फिर अनयूज मैसेजेस हैं जिनका आपको कोई फ्यूचर काम नहीं है फ्यूचर में आप उसे क्या करते हो वन बाय वन डिलीट करना शुरू करते हो ना और जैसे आप डिलीट करते हो तो या पिक्चर्स जो आपके उसमें सेव्ड रहते हैं तो फोटोज जो आप उसे जैसे जैसे डिलीट करते हो वैसे वैसे आपने नोटिस किया होगा ना कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है इजेंटेड तो इसी तरह कंप्यूटर्स की भी जो मेमोरी होती हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा हार्ड डिस्क को जो अनयूजल थिंग्स है जिसका हमें कभी कोई काम नहीं है उन चीज़ों को हमेशा हमें क्लीन करके डिलीट करके कंप्यूटर के स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ओके okay? ये हम सब करते हैं जनरली बट स्टिल आई एम पोकिंग यू पीपल के टेकिंग बैकअप ऑफ डेटा जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर्स में है ना उसका हमेशा हम लोग बैकअप रखते हैं कॉपिंग टू अनदर डिस्क एक कंप्यूटर में मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है कुछ भी हो सकता है मिस हैंडलिंग हो गया वायरस से वायरल इन्फेक्टेड हो गया आपका कंप्यूटर तो क्या होगा वो सारे डेटा आपके वैनिश हो जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी के चलते कुछ लोग सम अदर हार्ड डिस्क में सेव करते हैं या फिर आपके लाइक पेन ड्राइव्स एंड ऑल जो होते हैं ना उसमें भी हम लोग डेटा उसको स्टोर करके सेव करके रखते हैं सो दैट फ्यूचर यूज़ में काम आएगा नेक्स्ट प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ड्राॅइंगस एनिमेशन डॉक्यूमेंट्स एंड मैनेजिंग डेटा रिपोर्ट्स प्रिपेयर भी करते हैं हम सभी लोग फिर ड्राॅइंगस uh, बच्चे जो आप लोग हैं एनिमेशन ड्रा करते हो ड्रॉइंग्स बनाते हो, हो फिर डॉक्यूमेंट्स uh, बहुत सारे सेव करके रखते हैं डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं लास्ट कम्स ब्राउजिंग इंटरनेट चिल्ड्रेन इंटरनेट ब्राउज करते हैं पहले तो बड़े लोग करते थे बट नाउ अ डेज इवन द स्मॉल चाइल्ड एक छोटा सा बच्चा भी जो है ना वो भी कंप्यूटर पे इंटरनेट को ब्राउज करना सीख लिया है और वो करते भी हैं इन फैक्ट ऐल से हम बड़े जो है तो जितना हमें ज़रूरत है काम उतना ही हम यूज़ करते बट बच्चे तो बहुत ज़्यादा आजकल मैंने देखा फेमिलियर हो गए हैं इवन आई कुड से दे आर एडिक्टेड टू ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट इतना ज्यादा वो एडिक्टेड हो गया है नो अस हैव अ लुक एट वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अब सॉफ्टवेयर के वेरियस टाइप्स को हम लोग देखें ये तो सारे आपके वर्क थे जो जनरली हर कोई करता है नो ब्रॉडली दे आर टू टाइप्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ठीक है फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है टू में कौन कौन से जनरली फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर ना सबसे पहले अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर आई यूज़ टू मैंटेन द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंट्रोल इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को मैंटेन करने के लिए और ओवरऑल उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे ऑपरेशंस मीन्स वो नहीं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स करते ऑपरेशंस मीन्स वर्क चिल्ड्रेन जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसको कंट्रोल करना ओके दीज ऑल आर द वर्क ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर एंड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सारे एग्जांपल्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर में ना बच्चों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर कभी काम नहीं करेगा ओके okay, लाइक like, uh, आप एग्जांपल ले सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंपेयर कर सकते हो ह्यूमन बीइंग्स के हैंड्स अगर हमारे हैंड नहीं है तो क्या हम अपना हमारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं हाँ कुछ लोग एक्सटर्नल हैं जो हैंडी ने वो लोग लेग का यूज़ करते हैं बट भगवान ने हमें हाथ क्यों दिया है वर्क करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया है ना भगवान ने हमें तो उसी तरह से कंप्यूटर के भी कुछ पर्टिकुलर आ, ऑपरेशन जो हैं वो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के परफॉर्म नहीं किए जा सकते अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना तो कंप्यूटर आपका बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करेगा ओके नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग रिलेटेड टू मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ थ्री टाइप्स अब डिपेंड करता है कि कितने वैरायटी के और किस किस वैरायटी के टास्क को वो या फिर कंप्यूटर अपने उस वर्क को मैनेज कैसे करता तो उसके लिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर uh, जो है उसके थ्री टाइप्स हैं लाइक फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड लैंग्वेज ट्रांसलेट और प्रोसेसर थर्ड इज़ यूटिलिटीज चिल्ड्रेन ओके सी अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में ओके एक्सक्यूज मी फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड लैंग्वेज प्रोसेसर एंड द थर्ड इज यूटिलिटीज अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और वॉट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअली बहुत नाम सुन लिया आपने सबसे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये प्ले करता है कंप्यूटर को रन करने में इवन चिल्ड्रेन योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो आज आपके घर में ना उसमें भी पर्टिकुलरली कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर यूज होता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इट विल नेवर वर्क न ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इन कंप्यूटर्स मेमरी वेन इट इज स्विच्ड ऑन तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में लोड होना उसकी मेमोरी में लोड होना स्टार्ट होता है इट इज नन अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम चिल्ड्रेन क्लियर इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू रन ऑन द कंप्यूटर देखिए सबसे ज़्यादा मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को रन करने में वो हमें हेल्प करता है वाई बिकॉज इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कंप्यूटर के सिस्टम हैं उन्हें कंट्रोल करने में भी वो हमारा हेल्प करता है अब इसके भी कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी कुछ फंक्शंस होते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई क्या काम करता है ये फर्स्ट मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स तो आपके जो पर्टिकुलर uh, फाइल्स और फोल्डर्स जो आप सेव करके रखते हो ना कंप्यूटर में ये उन्हें मैनेज करता है नेक्स्ट मैनेजिंग ऑल डिवाइसेस जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर ये उन सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है नेक्स्ट मैनेजिंग ऑल द सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं ना उन सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का भी ड्यूटी इसी का होता है किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी अब कंप्यूटर की सिक्योरिटी का भी डिपार्टमेंट जो है ना वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया है आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू वेरियस डिवाइसिस लाइक कीबोर्ड एंड माउस एक्सेट्रा तो जो इंटरेक्शन uh, जो यूजर का और कंप्यूटर का होता है ना उसकी भी रेस्पॉसिबिलिटीज जो डिफरेंट डिवाइस जो वेरियस डिवाइसेज यूज़ होते हैं लाइक की बोर्ड है माउस है उसका भी कंट्रोल जो है ना वो भी किसके हाथ में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हैंड में सी चिल्ड्रन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेवन ये आपने सुना होगा विंडोज़ टेन लीनक्स मैकॉस एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स जो मैंने आपको तभी बोला ना जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी है कि वो प्रेजेंट रहेगा ही अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो रन नहीं कर सकेगा कभी भी ना नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर Now, computer does not understand the language used by us. Means us means हम humans. अगर आप उसको simply order देंगे come on uh, do the calculation, come on write a paragraph, come on write a letter. इस type से अगर आप बोलोगे जिस तरह से मैं आपको commands देती हूँ बोल कर जैसे ही मैं बोलती हूँ sentence तो आप समझ जाते हो and you all perform the work. isn't it in the same manner if you will speak to the computer na computer will never understand your language and it will never perform अब आप बोलोगे कंप्यूटर इज अ डम्बो पर्सन इज इट वो एक डम्बो थिंग है नो चिल्ड्रेन इट्स नॉट डम्बो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन ह्यूमन जो है वो उसके लैंग्वेज में जैसे ही आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं कमांड्स देते हैं कंप्यूटर फॉरन समझ जाता है एंड इट परफॉर्म्स ऑल द टास्क गिवन टू इट ना कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज अब कंप्यूटर तो आप सबको पता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट इज वाई वो सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझता है एक है बाइनरी लैंग्वेज और अदर इज मशीन लैंग्वेज चिल्ड्रेन ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस जावा पाइथन विजुअल बेसिक सी सी शार्प एक्सेट्रा इस टाइप के मैंने बोला ना बहुत सारे डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज पहले तो बहुत लिमिटेड थे बच्चों बट नाउ व डेज देर आर मैनी मोर बहुत वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल हैं कंप्यूटर लैंग्वेज़ के नॉट टू रन दीज प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर दे नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर में रन करने के लिए वो हमेशा उन्हें हमें ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में रखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए नाउ दिस ट्रांसलेशन इज़ डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स सच एज सी प्लस प्लस कॉम्पाइलर जावा इंटरप्रिटर एंड कॉम्पाइलर पाइथन इंटरप्रिटर एक्सेट्रा सो इनके ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है कौन कौन से सी प्लस प्लस कॉम्पाइलर फिर जावा इंटरप्रिटर एंड कॉम्पाइलर आफ्टर दैट पाइथन इंटरप्रिटर एक्सेट्रा तो ये सारे जो है ना लाइक सी चिल्ड्रेन वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है फिर ट्रांसलेटर है देन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम तो इन सब को जब हम कंबाइन करेंगे ना तो क्या होता है लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है लाइक like आप लोग के स्कूल में एडमिशन लेते हो और एट द एज ऑफ फाइव और सिक्स आप स्कूल गए एडमिशन लिए और उसके बाद क्या आप स्ट्रेट अवे सीधा स्टैंडर्ड टेन में क्लास हो जाता है आपका एडमिशन नो इट्स नॉट पॉसिबल बोले मैम ये तो इम्पॉसिबल है ऐसा तो हो ही नहीं सकता इट वॉज़ अ फनी जोक येस इट वॉज अ फनी जोक तो क्यों बिकॉज देर इज़ अ रूल कि पहले आपको एल के जी देन यू के जी आपका के जी उसके बाद आपको स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आफ्टर दैट 10th स्टैंडर्ड कम्स तो आप सोच लीजिए कि आपको टोटल 11 इयर्स लगे हैं स्टैंडर्ड 10 में आने में लगे हैं ना जब तक आप ये पूरे 11 इयर्स नहीं क्रॉस कर पाए तब तक आप स्टैंडर्ड 10 में नहीं आ पाए तो उसी तरह ना ये कंप्यूटर ट्रांसलेटर का भी स्टेप होता है वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है सबसे पहले C++ प्रोग्राम वो क्या किया वो ट्रांसलेटर को यूज़ करता है और ट्रांसलेटर क्या काम करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर को फीड करता है तभी कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझता है और हमारे टास्क को परफॉर्म करता है अच्छे से थैंक यू